हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस। सो आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स अपकमिंग रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर लेवल 1 लिया है, लेवल 2 लिया है, आप सबके लिए ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा आज का इम्पोर्टेंट होगा। कुछ नए नए क्वेश्चन को यहाँ ऐड किया है, टोटल 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, तो आप इस पूरे सेशन को जरूर देखिएगा। आप अपने मार्क्स जरूर यहाँ पे बताइएगा, आप चेक कीजिएगा कि आपकी कितनी यहाँ पर तैयारी हो रखी है इंग्लिश की, ठीक है। सो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हर बार हम लोग क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, तो वैसे ही हम इसको करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आप। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक जो है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सो चेकआउट जरूर करना आप, ओके। तो अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। सेशन पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और शेयर से, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइंड लाइंस। अब यहाँ पर जो ये पोएम एक दी हुई है, इसमें आपको ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें मेंशन किया गया है। फटाफट से थोड़ा सा सोचिएगा कि इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एलिट्रेशन, एसोनेंस, मेटाफर या फिर सिमिली। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो स्टिल अनरेविश्ड ड्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अब यहाँ पे क्या हमें सिमिली नजर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर सिमिली की एक विशेषता होती है कि आप यहाँ पे टू थिंग्स जो है, दो चीजें हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। सो देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। आप लाइक और एज का यूज करके यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन लाइक और एज के साथ नहीं हो रहा है फर्स्ट वाली लाइन में, तो यहाँ सिमिली तो नहीं होगा। मेटाफर भी नहीं है यहाँ पे, कोई हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। अब बच्चे यहाँ पे दो ऑप्शन, तो एलिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स की जब रिपीटेशन होती है वर्ड्स के इनिशियली या बिटवीन द वर्ड्स या वर्ड के शुरुआत में जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी रिपीटेशन हो रही है, तो एलिट्रेशन होता है। और एसोनेंस क्या होता है, जहाँ पर वॉवल्स साउंड जो है उनकी रिपीटेशन, कहीं ना कहीं साउंड की रिपीटेशन होती है, वॉवल्स की रिपीटेशन होती है। सो इस वाले ऑप्शन में, इस वाले लाइन में हमें क्या दिख रहा है, दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस। तो यहाँ पे आई अगर आप देखें तो आई आई का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आई लिखा रहेगा तभी आप इसको देखेंगे, आप अगर इसको बोल के पढ़ के देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे जो वॉवल्स की जो रिपीटेशन है वो आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे एसोनेंस हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट राइमिंग स्कीम ऑफ द फॉलोइंग पोएम। अब यहाँ पे ये जो पोएम दी हुई है इसमें आपको राइम स्कीम बतानी है। सो राइम स्कीम आपके एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन राइम स्कीम के जरूर आएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, हम जो लास्ट वाली लाइन है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाली लाइन क्या दी हुई है, क्वाइटनेस ए कर दो, टाइम बी कर दो, क्वाइटनेस टाइम अलग अलग है तो ए और बी कर दिया, एक्सप्रेस तो क्वाइटनेस एक्सप्रेस हो सकता है ए यहाँ पर, टाइम राइम तो सेम आपके जो है वर्ड्स हो रहे हैं यहाँ पर, तो ए बी जो है यहाँ पे हमारी राइम स्कीम इसकी बनेगी। तो यहाँ पर ए बी मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फीचर ऑफ मोनोलॉग। यहाँ पर बताना है कि मोनोलॉग का फीचर इनमें से क्या है। मोनोलॉग आपको पता है कि ड्रामा में यूज किया जाता है, ठीक है। तो मोनोलॉग का आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। फर्स्ट है, अ सिंगल पर्सन हु इज पेटेंटली नॉट द पोएट अदर्स द स्पीच दैट मेक्स अप द होल ऑफ द पोएम। द पर्सन एड्रेसेस एंड इंटरैक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल। स्पीकर रिवील्स हिज टेम्परमेंट एंड कैरेक्टर ओनली थ्रू हिज स्पीच या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो मोनोलॉग जो है वो ड्रामेटिक टेक्निक है जहां पर एक सिंगल पर्सन क्या करता है, अपनी भावनाओं को
एड्रेस करता है, वो अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों के साथ क्या करता है, शेयर करता है। मान लीजिए एक पर्सन है, वो अकेले एक सिंगल स्पीच दे रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, यानी कि अपने टेम्परमेंट को, अपने कैरेक्टर को स्पीच के माध्यम से यहाँ पर व्यक्ति बोल बोल के क्या करता है, व्यक्ति बोल बोल के यहाँ पर व्यक्त करता है। और जो अदर कैरेक्टर्स स्टेज पर होते हैं वो भी इसे क्या करते हैं, सुन पाते हैं। ऑडियंस जो यहाँ बैठी है वो भी उसे सुन पाती है। तो ये आपका मोनोलॉग का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव जो है विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि डैश इज अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड लैमेंट इन वर्स फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम में रिपीट हो के इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फॉर्मल एंड सस्टेन्ड तरीके की पोएम कौन सी होती है जो लैमेंट को दिखाए। लैमेंट का मतलब होता है शोक, लैमेंट का मतलब है विलाप या किसी दुख को, किसी सौरव को दिखाने वाली कविता, किसी व्यक्ति विशेष के मृत्यु पर जो गाई जाने वाली कविता होती है वो उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, एलिजी बनेगा। एलिजी क्या है, आपका एलोजोस से आया है, इसका मतलब ही होता है कि लेमेंटेशन की पोएम है, ठीक है। लेमेंटेशन अगर आपके एग्जाम में आता है, सैड तरीके की पोएम होती है, यहाँ पे जो है ग्लूमी म्यूजिंग्स को दिखाया जाता है। तो बहुत सारे वर्ड जो है किसी डेथ को, मृत्यु को, शोक को प्रकट करने वाली कविता को एलिजी कहते हैं, ठीक है। सोनेट के बारे में आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है। 14 लाइन की पोएम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पुराना जो सोनेट है वो इटालियन है, ठीक है, पेट्रार्कन जिसको हम कहते हैं, और सोनेट की जो है आयम्बिक पेंटामीटर में है, ठीक है। आपके जो है 10 सिलेबल्स लाइन होती है, 5-5 का ग्रुप होता है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए हमारा फाइनली होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ कैरेक्टर इन अ प्लॉट हु आर इंटरेस्ट सेंटर्स इज कॉल्ड द। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है द चीफ कैरेक्टर इन अ प्लॉट, किसी भी प्लॉट में, प्लॉट क्या होता है, प्लॉट आपका होता है जो सीक्वेंस होती है किसी भी ड्रामा में, ठीक है। जब कोई व्यक्ति ड्रामा कर रहा है, ठीक है, नाटक में, ड्रामा में, या जिसे हम प्ले कह देते हैं, उसमें जो सीक्वेंस होता है स्टोरी का, जो स्टोरी का सीक्वेंस है वो उसे हम प्लॉट कहते हैं। तो उस प्लॉट में जो चीफ कैरेक्टर होता है, जो सेंटर में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, विलेन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ठीक है। वो व्यक्ति जो या तो सेंट्रल कैरेक्टर हीरो हो सकता है या हीरोइन हो सकती है, ठीक है, हीरो हीरोइन में से कोई भी हो सकता है, जो सेंटर में होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। और उसके विरोध में, उसके मान लीजिए कोई हीरो हीरोइन है, उसके विरोध में जो होता है उसे हम एंटागनिस्ट कहते हैं, और विलेन भी इसी के अंदर आ जाता है। एंटागनिस्ट कौन होता है, जो विरोधी होता है ना, जो विरोधी पक्ष है, जैसे एक गुंडा है और एक हीरो हीरोइन है, जैसे मूवीज में होता है आमतौर पर। तो ये क्या है, ड्रामा में शामिल है। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो सेंट्रल कैरेक्टर है, और जो हीरो है, हीरोइन है, वो प्रोटैगनिस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द यूज ऑफ होम लैंग्वेज एज अ टीचिंग टूल इन मैटर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज बेसिकली इंटेंडेड एट द। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म से। यहाँ पे यूज जो हम होम लैंग्वेज का कराते हैं एज अ टीचिंग टूल प्राइमरी लेवल पे, जब हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन करवा रहे हैं, तो वहां पर कौन सी प्रोफिशियंसी को हम डेवलप करते हैं, बाइलिंगुअल प्रोफिशियंसी, स्ट्रक्चरल, सिमेंटिक, या फिर मोनोलिंगुअल। बहुत आसान प्रश्न है, आप थोड़ा सा इसको सोचेंगे तो आप इजिली कर लेंगे। देखिए जब हम होम लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं प्राइमरी लेवल पे, ताकि बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को इजिली सीख सके, मतलब सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए आप बच्चे की होम लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, उसको आप यूज कर रहे हैं, यानी कि जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है उसके सेकेंड लैंग्वेज में,
यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हेल्प या सपोर्ट दे रही है, तो इसमें बच्चे की कौन सी प्रोफिशिएंसी आएगी? बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी आएगी। वो बच्चा दो भाषा जानेगा, ठीक है, उसको दो भाषा पे पकड़ होगी, एक उसकी घर की भाषा और एक भाषा जो उसकी टारगेट भाषा है या जो वो लक्ष्य भाषा सीख रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल नहीं होगा, हम कभी भी स्ट्रक्चर्स पे ध्यान शुरुआत में नहीं देते हैं, हम सिमेंटिक पे भी यानी कि हम मीनिंग पे ध्यान भी नहीं देंगे बहुत जल्दी। और मोनोलिंगुअल भी नहीं होगा, मोनोलिंगुअल का मतलब होता है कि जो एक भाषा जिसको आती है उसको मोनोलिंगुअल कहा जाता है, मोनोलिंगुअल पर्सन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि द एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ अ फैमिली टेक्स प्लेस इन, जो एक फैमिली में एवरीडे इंटरेक्शन होता है वो किस में होता है? नेशनल लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रैंका, होम लैंग्वेज या फिर इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज। सो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहाँ पर? आपसे पूछा गया कि फैमिली है जहां पर आप एवरीडे आप फैमिली में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक बच्चा इंटरैक्ट करता है तो वो किस में करता है? उसके घर की भाषा, उसकी मदर टंग, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका मदर टंग आता है तो भी आपका आंसर यही बनेगा। अगर यहाँ पे आपका वर्नैक्युलर लैंग्वेज आता है, ठीक है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज कई बार लिखा रहता है तो वो भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। रीजनल लैंग्वेज भी कई बार आ जाता है लेकिन रीजनल थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसमें इंटरैक्ट करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। एंड नेशनल लैंग्वेज क्या है भाई? जो राष्ट्रभाषा है। और लिंगुआ फ्रैंका क्या होती है? लिंगुआ फ्रैंका उस भाषा को कहते हैं जो लिंक लैंग्वेज होती है। याद रखना लिंगुआ फ्रैंका क्या है? लिंक लैंग्वेज है। जैसे कि हिंदी हमारे देश में हो सकता है कि लिंगुआ फ्रैंका हो जाए, है ना, एक व्यक्ति है उसको मान लो कि इंग्लिश आती है, एक व्यक्ति है उसको मान लो कि कोई दूसरी भाषा आती है उसको बंगाली आती है, लेकिन दोनों हिंदी जानते हैं, तो हिंदी की वजह से वो क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो लिंक लैंग्वेज को ही हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच? कम्युनिकेटिव अप्रोच का गोल क्या होता है? एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, एप्रोप्रिएटनेस, फ्लुएंसी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो लिंग्विस्ट आपका जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, पहली बात की यह सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाती है, सबसे लेटेस्ट अप्रोच है, 1973 के करीब, 72-73 के करीब जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच डेल हाइमेस के उसमें आया था, जहां पर उन्होंने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पे बल दिया। तो यहाँ पर इस अप्रोच में हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, ऑल ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज का यूज करते हैं यानी कि आपका जो टारगेट लैंग्वेज है आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करवाते हो। एप्रोप्रिएटनेस पे हम बहुत ध्यान देते हैं, मतलब कि आपकी एक्यूरेसी पे आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। फ्लुएंसी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव साउंड? अब ये जो साउंड है ये आई करके कौन से वर्ड में ये साउंड नहीं होगा, ठीक है? फ्लीस, सी, मशीन या फिर हैप्पी। फ्लीस, सी, मशीन, हैप्पी किस में नहीं है? तो नहीं वाला आपसे पूछा गया है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब जब हम फ्लीस की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है, बड़ी, और इसमें भी आपका सी बड़ी की मात्रा है, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, लेकिन इसमें छोटी की मात्रा है, हैप्पी, ठीक है। तो जब भी हम बड़ी की मात्रा का यूज करते हैं तो हम आई और यहाँ पे ये जो बिंदु, ये जो पॉइंट होता है, ये बड़ा दिखाने के लिए, जो बड़ी साउंड है उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंबल्स एम, एन और ये जो है ये इसे हम क्या कहते हैं? ये फ्रिकेटिव साउंड है, एफ्रिकेट साउंड है, नेजल्स है या फिर प्लोसिव्स है? तो ये सारे जो साउंड्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ये सारे के सारे जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये इंग्लिश के अंदर, आपको पता है कि 24 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स है, टोटल साउंड्स कितने 24 है, उनको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो आपसे पूछा गया है, ये तीन जो आपके सिंबल्स हैं ये कौन से साउंड्स होते हैं? इन्हें हम नेजल्स कहते हैं, ठीक है, जो मतलब कि नाक से, जिनकी ध्वनियां नाक से निकले उन्हें हम नेजल साउंड्स कहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे नाक का जो नोज है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल हो जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रिकेटिव साउंड्स अगर आपसे पूछेगा तो 9 फ्रिकेटिव साउंड्स होते हैं। एफ्रिकेट्स पूछेगा तो आपके 2 एफ्रिकेट होते हैं।
और प्लोसिव पूछेगा तो हमारे 6 प्लोसिव साउंड्स होते हैं और नेजल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये सबके नंबर आपको याद रखने हैं एज इट इज, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसीलिए पिछले एग्जाम में आपका फ्रिकेटिव आया था, हो सकता है कि कोई और पूछ ले, तो इन साउंड्स के बारे में जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है उसके बारे में आपको कौन सी बात गलत लग रही है। इट इज यूनिवर्सल, क्या ये सार्वभौमिक होता है जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, तो बिल्कुल ये होता है। यूनिवर्सल मतलब आपका सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो एक्विजिशन है ना, वो चाहे आप हो, चाहे मैं, चाहे कोई भी दुनिया का धरती पे कोई भी इंसान हो, हर बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भाषा को एक्वायर अपनी फैमिली से करता है, यानी कि ये क्या है, सार्वभौमिक है, ठीक है। नेचुरल है, बिल्कुल है, ठीक है, तो ये दोनों बात हमारी सही हो गई। इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, तो ये बातें बिल्कुल ठीक है कि भाई इसके लिए हमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये सारे लोग स्कूल जाके ही एक्वायर करेंगे, ये लोग अपनी फैमिली में एक्वायर पहले ही, हम लोग अपनी भाषा को फैमिली में सीख जाते हैं बोलना, तो हमें फॉर्मल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डी वाली बात गलत है कि इसमें फॉर्मल की जरूरत है। फॉर्मल की जरूरत सेकेंड लैंग्वेज में होती है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में हमें जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मली उसे सीखे। तो यहाँ डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the originator of the term communicative competence? Communicative competence का originator कौन है? Chomsky, Hamis, Keith Johnson या फिर Bloomsfield? तो यहाँ पर right answer क्या बनेगा? अभी मैं discuss कर चुकी हूँ। Hamis जो है वो communicative competency के जनक father माने जाते हैं। इन्होंने communicative competency का जो है इन्होंने संप्रत्य दिया। अगर मैं linguistic की बात करूँ, लिंग्विस्टिक किसने दिया, तो चॉम्स्की ने दिया। चॉम्स्की का LAD याद रखना, चॉम्स्की का यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी याद रखना, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर या यू और जीवी से हम कहते हैं, तो ये याद रखना चॉम्स्की के बारे में। इनेट एबिलिटी, इनेट क्षमता की बात चॉम्स्की ने की। हाइमस का नाम याद रखना, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी हाइमस ने दिया। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी के बहुत सारे आस्पेक्ट होते हैं, इसके अंदर हमारा लिंग्विस्टिक आता है, इसके अंदर हमारा सोशियो कल्चरल आता है, डिस्कॉर्स आता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा जो है डिस्कॉर्स, सोशियो लिंग्विस्टिक, हमारा जो है लिंग्विस्टिक आ सकता है, और एक और आता है यहाँ पर हमारा जिसे हम स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। तो आपके चार यहाँ पे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कम्युनिकेटिव के अंदर, याद रखना, ये पेपर में आ चुका है। लिंग्विस्टिक, सोशियो कल्चरल, डिस्कॉर्स एंड स्ट्रैटेजिक होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है कम्युनिकेटिव के अंदर आते हैं, डेनहाइमस ने दिया, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, इवैल्यूएशन डज नॉट असर्ट इन। इवैल्यूएशन इनमें से क्या असर्ट नहीं करता है या शामिल नहीं करता है वो आपको बताना है। टूल्स लाइक टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो इवैल्यूएशन में क्या शामिल नहीं है? सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो याद रखना हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कितना आप सीख गए। हम यहाँ पे बात करते हैं जजमेंट की, जब आप जजमेंट कर देते हैं, जब आप बच्चे की अचीवमेंट की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर बात करते हैं समेटिव की, ठीक है, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जब हम बात करते हैं, या फिर हम जब बात करते हैं कि वैल्यू कितनी है, वैल्यू किसी चीज का क्या है, तो वो इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन में हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड को नहीं देखते हैं, बाकी हम यहाँ पे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट का यूज करते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही मेथड्स होते हैं इवैल्यूएशन में, ये भी ठीक है। टीचिंग को हम चेक करते हैं, कितना इफेक्टिव टीचिंग रहा, टीचर ने कैसा पढ़ाया, बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा। सो यहाँ पे सी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन जो है हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of test can cover lots of content areas on a single exam? कौन से प्रकार के जो परीक्षण होते हैं जो बहुत सारे content area को cover करते हैं? तो ये प्रश्न especially very very important है। आपको अगर इनकी वीडियो देखनी है तो guys मैंने इनकी वीडियो बना रखी है, जरूर चेकआउट करना चैनल पे। नहीं मिलती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से टेस्ट जो है बहुत सारे कॉन्टेंट को कवर करता है, एसे टाइप, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स या ओरल टाइप। तो राइट आंसर क्या बनेगा?
ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंटेंट को कवर करते हैं, ये सिलेबस को ज्यादा कवर करने में सक्षम होते हैं, कंटेंट एरिया को कवर करने में सक्षम होते हैं। अगर आपको, मान लीजिए आपके पास यूनिट्स बहुत सारी हैं और आप अगर एमसीक्यूज वहां बना रहे हैं, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने सिलेबस को यहाँ कवर कर लेते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं। इनको बनाना क्या होता है, डिफिकल्ट काम होता है, और सबसे ज्यादा हाईली रिलायबल, हाईली ऑब्जेक्टिव, वैलिड ये टेस्ट माने जाते हैं। ऐसे टाइप के मुकाबले ज्यादा अच्छे माने जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द स्ट्रेटजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के बारे में आपको बताना है। रेमेडियल टीचिंग आपको पता है, जहां पे आप रेमेडी कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम एरिया को, बच्चों की बैड हैबिट्स को आप उनको चेंज करके गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, बच्चों ने जो चीज नहीं सीखी है आप उनको क्या कर रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेटजीज होती है काफी सारी, इनमें से कौन सी होगी वो आपको बताना है। ड्रिल एंड रिपीटेशन, मल्टी सेंसरी अप्रोच, अल्टरनेटिंग लर्निंग मटेरियल्स, या फिर प्रोग्राम टेस्ट। तो कोड दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या बनेगा गाइस, जब हम ड्रिल की बात करते हैं, रिपीटेशन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं रेमेडी में, क्योंकि आप उनकी जो समाधान है आप वो कर रहे हैं। आप समस्या का समाधान अगर करना चाहते हैं, आप उनके गैप्स को, लर्निंग गैप्स को अगर आप एड्रेस करना चाहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा उनको प्रैक्टिस देते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज करते हैं, बिल्कुल हम बच्चों की सेंसेस का यूज करके बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। लर्निंग मटेरियल्स को आप अल्टरनेट करते हैं, आप मेथड्स को अल्टरनेट करते हैं, मेथड्स को चेंजेस लाते हैं आप बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। प्रोग्राम टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक्शन रिसर्च इंपॉर्टेंट है, IEP इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा रीलिया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, कम्युनिकेटिव, सिचुएशनल टीचिंग, जितने भी लर्नर सेंटर्ड तरीके हैं वो सब हम रेमेडी में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ABCD जो सारे हैं वो राइट आंसर हमारा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताना है, इन सम ऑफ प्लेस अन एपिलॉग अपीयर्स, व्हाट एट व्हाट स्टेज ऑफ द प्लॉट डज द एपिलॉग कम। अब ये एपिलॉग क्या होता है ये आपको बताना है। मेन बात यह है कि जब हम ड्रामा करवाते हैं लिटरेचर के अंदर, ड्रामा में या प्ले में एपिलॉग आता है, ये एपिलॉग कब आता है, बिगनिंग में आता है, एंडिंग में आता है, मिडिल में आता है, या फिर किसी भी स्टेज पे आ सकता है जहां पे भी ड्रामेटिस्ट का मन हो। ड्रामेटिस्ट कौन होता है, जो प्ले राइट होता है। ठीक है, ये याद रखना, एक क्वेश्चन आपका आया था प्ले राइट कौन होता है। ठीक है, तो प्ले राइट को ही हम ड्रामेटिस्ट कहते हैं, यानी कि ड्रामा लिखने वाला, जो ड्रामा लिखने वाला होता है, ड्रामा का राइटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं, या हम उसे हम ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको एपिलॉग क्या होता है। तो एपिलॉग देखो क्या होता है, दो वर्ड याद रखना, एक होता है आपका प्रोलॉग, ठीक है, प्रोलॉग होता है, एक होता है एपिलॉग। तो प्रोलॉग का मतलब होता है जब आप शुरुआत में दिखा रहे हो क्या स्टोरी रहने वाली है, क्या कैरेक्टर होंगे, वो आपका प्रोलॉग है। एपिलॉग क्या होता है, आप एंडिंग जब दिखा रहे हैं, तो इन द एंडिंग ऑफ द प्ले एपिलॉग हमें नजर आता है। जब हम एंड को दिखा रहे हैं, जब एक ड्रामा या एक प्लॉट का एंड हो रहा है, वहां पर क्या आता है, हमारा एपिलॉग आता है। प्रोलॉग क्या होता है, जहां पे बिगनिंग है, जहां शुरुआत हो रही है, वो प्रोलॉग होता है। यानी कि शुरुआत में आपने देखा होगा ना, जब हम कोई नॉवल पढ़ते हैं तो शुरुआत में प्रोलॉग लिखा रहता है कि भाई इस नॉवल में ये होने वाला है, ये कैरेक्टर है, स्टोरी इस चीज पर बेस्ड है, तो वो आपका प्रोलॉग हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट ऑफ व्हाट कलर रोज रेड लव फर्स्ट चोज, व्हिच लिटरेरी टर्म इज यूज्ड इन द अबव लाइन। अब ये जो अबव लाइन है, इसमें आपको लिटरेरी टर्म बताना है क्या यूज किया गया है, एसोनेंस, सिमिली, मेटाफर, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या है यहाँ पर, सिमिली तो यहाँ हमारा आई थिंक नहीं है, ठीक है, सिमिली तो हम पहले यहाँ पे हटा देंगे। बट ऑफ व्हाट कलर रोज रेड लव फर्स्ट चोज, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर एसोनेंस। क्या है यहाँ पे, वोवल्स की रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एसोनेंस है। बट ऑफ व्हाट, बट व्हाट, बट व्हाट सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पर रोज है, रोज रेड लव फर्स्ट चोज, चोज रोज, चोज रोज, यहाँ पे क्या है आपका,
कहीं ना कहीं वॉवल्स की रिपीटेशन हो रही है। जरूरी नहीं है कि हर लाइन में आपको वॉवल्स सेम मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग इन टीचिंग इंग्लिश, ग्रुपिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। जब हम ग्रुपिंग की बात करते हैं, ग्रुपिंग किस में आता है, हमारा सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन एक प्रिंसिपल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में ग्रुपिंग करते हैं हम, ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग में कौन सी ग्रुपिंग होती है वो आपको बताना है, किस प्रकार की ग्रुपिंग हम करते हैं। ग्रामेटिकल करते हैं, लेक्सिकल करते हैं, यहाँ पर सिमेंटिक करते हैं, या हम फोनेटिक ग्रुपिंग करते हैं। सो गाइस, इसका जो राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर आई थिंक मैं एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना भूल गई हूँ, ई ऑप्शन में। यहाँ पर हम यहाँ ऑल ऑफ दीज करेंगे, क्योंकि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो यहाँ पे सारे ही होंगे, ठीक है। जब हम ग्रुपिंग में सिखाते हैं ना बच्चों को कि भाई पहले मुझे ये सिखाना है, फिर मुझे ये सिखाना है, फिर मुझे ये सिखाना है, आप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके सिखाते हो, है ना। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल भी ठीक है, लेक्सिकल भी ठीक है, सिमेंटिक भी ठीक है, फोनेटिक भी ठीक है। फोनेटिक की जब हम बात करते हैं, साउंड आ जाते हैं। साउंड मतलब आप क्या सिखा रहे हैं, बैट, कैट, रैट, आप सेम सिखा रहे हैं, ये आपकी फोनेटिक ग्रुपिंग हो गई। सिमेंटिक में आप मीनिंग सिखाते हैं, जैसे मीनिंग में अगर मैं बोलूँ फैमिली, फैमिली है तो फैमिली में कौन कौन आएगा, फैमिली में मदर, फादर, ग्रैंडफादर या सिस्टर, ब्रदर। तो ये क्या है, आप जब आप मीनिंग पे बेस्ड है, मीनिंग पे बेस्ड जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ये आपका सिमेंटिक हुआ। लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होता है, जब आप यहाँ पर वर्ड्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स की, वो आपका लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग में आपका क्या आ जाता है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है। तो गाइज, ये सारे ही जो है ग्रुपिंग के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई का मतलब है कि ऑल जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। और ये किसके ग्रुपिंग जो है, ये किसके अंदर आता है, आपका ग्रेडेशन के अंदर आता है। आप ग्रेडेशन से सिखाते हैं तो आप वहां पे ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, ये जो आपको बताना है, राइम स्कीम जो है, ये कौन से सोनेट की राइम स्कीम होती है, ठीक है। ए बी बी ए बी बी ए, फिर सी डी ई और सी डी ई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइम स्कीम है। ये हमारा जो आंसर इसका बनेगा वो बनेगा इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट जो है, जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, ये जो है हमारा सेस्टेट होता है, जो कि 6 लाइन की होती है, ठीक है। और ये क्या है हमारा आगे वाला, ऑक्टेव है। ऑक्टेव और सेस्टेट किसके पार्ट्स होते हैं, ये इटालियन सोनेट के पार्ट होते हैं। ऑक्टेव में 8 लाइनें, सेस्टेट की 6 लाइनें होती हैं, और ये किस में आएगा हमारा, इटालियन सोनेट के अंदर आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाउ मेनी लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स की संख्या बतानी है। तो पहली बात, इंग्लिश में टोटल साउंड पूछेगा। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। टोटल साउंड 44 है, जिसमें से 20 हमारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है, वॉवल्स, और 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 20 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 12 और 8 में। 8 हमारे क्या होते हैं, डबल वॉवल साउंड, जिसे हम डिपथोंग कहते हैं, और 12 हमारे मोनोफोंग्स होते हैं, जिसे प्योर वॉवल भी कहते हैं, इन्हें हम इम्प्योर वॉवल भी कहते हैं, ठीक है। 12 को भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग में और शॉर्ट वॉवल्स में, यानी कि मोनोफोंग को लॉन्ग वॉवल और शॉर्ट वॉवल्स में डिवाइड किया गया है। लॉन्ग वॉवल्स की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5, और शॉर्ट वॉवल्स की संख्या पूछेगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 7 जो है राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 हमारे लॉन्ग वॉवल्स है इंग्लिश के अंदर, और 7 हमारे क्या है, शॉर्ट वॉवल्स होते हैं। टोटल हमारे जो मोनोफोंग्स हैं, जिन्हें प्योर वॉवल कहते हैं, उनकी संख्या 12 है, 8 डिपथोंग है, टोटल मिलके 20 वॉवल बने, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिस और टोटल कितने साउंड्स हैं इंग्लिश में, टोटल फोनेटिक साउंड्स अगर पूछेगा तो 44 होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ आई डैश अ बर्ड I would fly. अब ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो क्या है, इसका एक रूल है, यहाँ पे बोला कि इफ आई डैश अ बर्ड। अब यहाँ क्या है, आपकी क्या दिख रही है यहाँ पर, कोई ना कोई इमेजिनेशन है, आप इमेजिन कर रहे हो, आपकी कोई इच्छा दिख रही है यहाँ पर, है ना, आपका विल दिख रहा है, जो आप चाहते हैं इन फ्यूचर। तो जब आप अपनी इच्छा, इमेजिनेशन या विल पावर को दिखाते हैं कि भाई मैं ये कर लूंगा, वो करूंगा, फ्यूचर वाली चीज जब हम बता रहे हैं,
तो वहां पर जो भी हमारा वर्ब होती है वो क्या होती है, हमारी प्लूरल में आती है, ठीक है, प्लूरल में आती है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, इफ आई वर अ वर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। अगर आपके ऑप्शन में दिखता है कि जहां पे आपका आया सपोज, ठीक है, सपोज करना, या फिर आप, मैंने जैसे बोला कि आप इमेजिन कर रहे हैं कोई चीज, है ना, आप कोई इन फ्यूचर वाला कुछ बता रहे हैं कि भाई मैं अगर एक चिड़िया होती, या मैं अगर अमीर होता, या मैं बहुत ज्यादा करोड़पति बन जाता, मतलब इस तरीके से जब आप सोचते हैं, वहां पर जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, सिंगुलर नहीं आती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द फादर विद हिज सन्स रनिंग इन द पार्क। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। द फादर विद हिज सन्स डैश रनिंग इन द पार्क। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहां पर दो सब्जेक्ट है, फादर सब्जेक्ट वन और उसके जो बेटे हैं सब्जेक्ट नंबर टू। यहां पर विद यूज किया गया है, तो जब भी हमारा विद आ जाता है, अलोंग विद आ जाता है, या टुगेदर विद आ जाता है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, अगर विद से कोई भी चीज है तो वहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पर आंसर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट फादर है, तो आंसर भी हमारा क्या जाएगा, इज रनिंग इन द पार्क। यहाँ पे इज जो है वो राइट आंसर हमारा बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट फैलेसी। करेक्ट फैलेसी बताना है। अब देखो क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। पॉल इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन आवर स्कूल, सिंस ही इज इन माई क्लास आई मस्ट बी इन द स्मार्टेस्ट क्लास। अब यहाँ क्या कहा गया कि भाई एक पर्सन है, उसकी क्लास का एक बच्चा है जिसका नाम पॉल है, पॉल जो है क्लास का सबसे होनहार बच्चा है, वो उसकी क्लास में है, तो वो कह रहा है कि मैं भी स्मार्टेस्ट क्लास में हूँ, मतलब मेरी जो क्लास है वो सबसे स्मार्टेस्ट है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, फालसी कंपोजिशन है, हैस्टी जनरलाइजेशन है, इक्विवोकेशन है, या फॉल्स एनालॉजी है। तो यहाँ कोई एनालॉजी नहीं हो रही, आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इक्विवोकेशन भी नहीं है, वर्ड्स का कुछ यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। अब बचे दो ऑप्शन जिसमें आप सभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि आपने एक बच्चे की बात की कि भाई वो सबसे, ये जो बच्चा है ये सबसे स्मार्ट है क्लास में पूरे, तो हो सकता है कि अगर ये बच्चा क्लास में स्मार्ट है तो मैं जो है पूरी की पूरी क्लास जो है वो स्मार्ट है, है ना। क्या क्या कह रहा है कि आई मस्ट बी इन द स्मार्टेस्ट क्लास, यानी कि क्या कहा गया कि जो पूरी की पूरी क्लास है वो सबसे बेस्ट क्लास है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा यहाँ पर गिफ्टेड है, एक बच्चा अगर होनहार है, तो पूरी क्लास के बच्चे या पूरी क्लास जो है बेस्ट क्लास हो जाएगी। ऐसा हमारे साथ होता था कि भाई अगर मान लीजिए आप अपनी क्लास के बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं कि टीचर आपकी क्लास को अच्छा ही कहेगा, वो फिर भी कहेगा कि ये तो कैसी क्लास है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कंपोजिशन दिख रहा है, यानी कि जो चीज पार्ट्स के लिए सच हो जरूरी नहीं है कि वो होल के लिए भी सच हो। यहाँ पर हम जनरलाइज नहीं कर रहे, याद रखना जो हैस्टी जनरलाइजेशन है वो हमारा स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाता है, और जो कंपोजिशन है वो पार्ट टू होल की तरफ जाता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पार्ट्स और होल की बात हो रही है या स्पेसिफिक और जनरल की बात हो रही है। तो यहाँ पर पार्ट्स और होल की बात हुई है, यानी कि एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास स्मार्ट नहीं हो सकती। तो ये क्या है, आपका कंपोजिशन है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया होगा, जिनको भी कंफ्यूजन रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, टीचर्स कैन रेमिडिएट फॉर द स्टूडेंट विद लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाय। टीचर रेमिडिएट कैसे कर सकती है बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी को, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। तो देखो हमें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट लग रहा है कि अगर आप रेमिडिएट करना चाहते हैं उनकी गलतियों को, डिफिकल्टी को, यानी कि रेमिडियल टीचिंग की यहाँ बात हो रही है, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल फोकस करेंगे, जिसे हम IP भी कहते हैं, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम देंगे आप उनको। तो यहाँ इंडिविजुअल प्रोग्रेस पे फोकस करना, इंस्ट्रक्शन देना सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं केवल, आप उनको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या आप एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करवाएंगे, सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉर रेमिडिएशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 है कि मे आई एंटर योर ऑफिस। अब यहाँ पर जो ये मे आई एंटर योर ऑफिस दिया हुआ है, इसमें मे का क्या मतलब है, मे जो है वो किस तरफ हमें इशारा करता है कि मे का क्या एक सेंस है,
फीलिंग है, प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है, परमिशन को दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है या किसी ऑर्डर को दिखा रहा है। तो मे आई एंटर योर ऑफिस, यानी कि आप पूछ रहे हैं, आप किसी से फॉर्मल तरीके से जब आप पूछते हैं तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। हम कैन का यूज भी कई बार करते हैं, लेकिन कैन का यूज हम कब करते हैं, जब हम इनफॉर्मली पूछ रहे हैं। मतलब अगर आप अपनी अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि कैन आई एंटर योर होम या कैन आई एंटर इन योर ऑफिस, तो आपका वो इनफॉर्मल हो गया। मे का यूज हम फॉर्मल सिचुएशंस में करते हैं, तो यानी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उससे परमिशन ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवल साउंड्स। सेम वोवल साउंड्स वाले आपको वर्ड्स का जो ग्रुप है वो बताना है, ठीक है। मिस लेस ड्रेस, ग्रेन ट्रेन क्रेन, पेड लाइट सीट, या फिर लैक लॉस्ट लैम्प। तो लैक लॉस्ट लैम्प सेम वोवल्स नहीं है, पेड लाइट सीड, तीनों का जो प्रोनंसिएशन है वोवल्स का अलग है। ग्रेन ट्रेन क्रेन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम वोवल्स को दिखा रहा है, ग्रेन ट्रेन क्रेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैक ऑफ फैसिलिटीज इन लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश की लर्निंग टीचिंग में लैक ऑफ फैसिलिटीज कौन सी है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस आर वेरी लार्ज। तो ये बिल्कुल है कि भाई क्लासेस में बहुत संख्या बच्चों की होती है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट लिंग्विस्टिक माइंडेड, मतलब ज्यादातर बच्चे जो है इंग्लिश में ना ही वो सोचते हैं, ना ही वो उस तरीके से चिंतन करते हैं, तो ये भी एक कमी है कहीं ना कहीं। स्कूल्स आर नॉट वेल इक्विप्ड, बिल्कुल ये भी ठीक है कि काफी ऐसे स्कूल है जिसमें लैब नहीं है, काफी ऐसे स्कूल में जिसमें टीचिंग एड्स नहीं है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। ये चारों ही तीनों ही जो चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी क्या है, डिफिकल्टी है इंग्लिश को सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। द वर्ड मस्ट सजेस्ट, यहाँ पर मस्ट आपको बताना है कि ये वर्ड मस्ट जो है ये क्या हमें दिखा रहा है, रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, परमिशन को दिखा रहा है, एडवाइस को दिखा रहा है, या किसी ऑब्लिगेशन को दिखा रहा है। सो मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई नेसेसिटी दिखानी हो, कोई ऐसी चीज जो बहुत आवश्यक है, जो आपको करनी ही करनी है, जो किसी कर्तव्य को दिखाए। आपका कर्तव्य है कि जब ट्रैफिक लाइट रेड होंगी तो आपको रुकना है, यानी कि यहाँ पर ऑब्लिगेशन को दिखाया जा रहा है। आप कोई एडवाइस नहीं दे रहे, एडवाइस का यूज हम ज्यादातर शुड के सेंस में करते हैं। परमिशन में आप कैन या फिर कैन या मे का यूज हम करते हैं ज्यादातर। रिक्वेस्ट में भी हम पोलाइटली कुड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो 29 है, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट इडियम का, इस इडियम का मतलब क्या है। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat. तो यहाँ smelt a rat का क्या मतलब है इस सेंस में। Detected something wrong, felt very pleased, became complacent, या फिर behaved arrogantly. Smelt a rat का मतलब होता है, to smell a rat का मतलब है कि जब आपको किसी चीज पे doubt हो, मतलब मान लीजिए आपका कोई competitor था, अब वो कोई आपकी बुराई करता था, वो हर बार ना ही आपसे बात करता था, अचानक से उसने अपना दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाया, तो आप वहां यूज करेंगे कि आई स्मेल्ड अ रैट ऑन हिम या ऑन हर, यानी कि आपको वहां पे कुछ गलत, आपको लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। आपको यहाँ पे सस्पेक्ट हो रहा है, आप किसी पे संदेह कर रहे हैं, जब शक हो रहा है आपको कि कुछ गलत है, दाल में कुछ काला है, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्मेल्ड अ रैट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। ओके, सो 30th क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स आर कॉल्ड। जो स्टडी है स्पीच साउंड्स, उसे हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स, मोर्फोलॉजी, सेमांटिक्स या फिर ग्राफीज। तो ये चारों जो वर्ड्स हैं इनका आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम साउंड्स की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं, तो उसकी जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं, है ना। आप फोनेटिक्स में क्या करते हैं, साउंड की स्टडी कर रहे हैं, उनके स्पीच साउंड्स की स्टडी कर रहे हैं। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है हमारा वर्ड का फॉर्मेशन क्या है, कोई भी वर्ड कैसे बना है। मान लीजिए वर्ड, कोई भी वर्ड है, मान लीजिए ये वर्ड ही है, अब ये कैसे बना है, इसमें कितने मोर्फीम है, ठीक है, तो ये मोर्फोलॉजी हो गई। सेमांटिक्स आपका क्या होता है, जब हम मीनिंग की स्टडी करते हैं, ठीक है, मीनिंग की स्टडी कर रहे हैं, उसके मीनिंग में क्या एक रिलेशन है। ग्राफीम्स का मतलब होता है
जब आप रिटन की बात करते हैं, ग्राफीम क्या होता है, जब आप साउंड्स को, जो भी हमारे साउंड्स हैं, जब आप उनको प्रेजेंट कर देते हो, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कैट, तो कैट में क का साउंड है, के का साउंड है इंग्लिश में, लेकिन हम इसको सी से लिखते हैं, ठीक है। तो जो आप लिख देते हो ना ए बी सी डी, ये सब क्या है, आपका ग्राफीम है। यानी कि जो हमारा स्पीच है उसे जब हम लिख देते हैं, एक रिटन फॉर्म में दिखा देते हैं, तो वो ग्राफीम होता है। तो ये चारों के आपको याद रखने हैं। ये चारों किस में आते हैं, लिंग्विस्टिक्स में आते हैं, और स्पीच साउंड्स की स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं। टोटल फोनेटिक्स इंग्लिश में 44 है, आपको जैसे कि पता है साउंड्स हमारे 44 है, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा आज का पूरा सेशन। यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को अब कंप्लीट किया है, एंड सेशन कैसा लगे आप मुझे जरूर बताइएगा। और लास्ट बात और बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ये है टेलीग्राम ग्रुप। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मेरा नाम लिख करके SHILPI लिख करके आप 111 सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा ग्रुप, ठीक है, इनकेस अगर टेलीग्राम वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं शिल्पी द्विवेदी के नाम से, एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा सारा लिंक। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, पहली बार है, शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी इस तरह से मोटिवेशन मिले। एंड कोई भी फीडबैक हो तो आप जरूर मुझे दीजिएगा, कोई भी एनीथिंग, आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।